हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक एक बार फिर साहब सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति तो बच्चा अपना पेन और अपनी कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है समझना भी बहुत ज्यादा है लेकिन मैं क्या सोचता हूँ मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज देखी कि अगर तुम किसी चीज में बस एक वर्ड आप लोग मेरी तरफ से सुनना ये लगा देते हो ये चाहे वो पढ़ाई हो चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो आप कुछ भी करो जिस चीज को आपने शिद्दत से किया ना जिस चीज को शिद्दत से किया वो चीज हो जाएगी उस चीज में आप कामयाबी पाओगे बस जब भी तुम जिंदगी में हिलो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जितनी भी एफर्ट तुम्हारी जितनी भी कोशिशें वो सब बेकार हो रही है तुम्हारा नसीब सबसे बेकार है तुम खूब पढ़ते हो कुछ नहीं होता तुम सब सारी जमाने की समस्याएं सारी परेशानी तुम्हारे पास है तो सिर्फ एक चीज समझना याद रखना कि तुम बस शिद्दत से लगे रहो जिस भी काम में तुम लगे हो मैंने एक व्यक्ति देखा उसके बारे में पढ़ा उसकी फिल्म देखी उस व्यक्ति को पहाड़ तोड़ने की शिद्दत थी उसने पहाड़ काट दिया तोड़ दिया तो ये एक शिद्दत होती है एक व्यक्ति को मिसाइल बनाने की शिद्दत थी उसने एक नहीं पांच पांच मिसाइल बना दी तो ये शिद्दत होती है तो शिद्दत होगी तो कामयाबी भी मिलेगी तुम शिद्दत ले आओ कामयाबी तो अपने आप आएगी तो शिद्दत का अर्थ है पेन और अपनी कॉपी लेकर बैठना चाहे पांच मिनट देखो लेकिन देखो ईमानदारी से शिद्दत से तैयार हो जाइए बहुत बढ़िया तरीके से समझिए पहला प्रश्न जो आपके सामने है आज संसार का सबसे टॉप और सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न जो बिडेन अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए कितने चुनावी वोट जीते जो जो बिडेन है उन्हें कितने इलेक्टोरल वोट मिले जो बिडेन को कितने इलेक्टोरल वोट मिले क्या मिले साथी मेरे इलेक्टोरल वोट मिले चुनावी वोट मिले अब देखो इसमें बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि कल लोकतंत्र के इतिहास में अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ कि ट्रंप जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके समर्थकों ने अमेरिका के संसद भवन पर हमला कर दिया जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है जिसको संसद भवन बोलते हैं इसी तरह अमेरिका का पार्लियामेंट होता है जिसको कैपिटोल हिल बोलते हैं क्या कहते हैं कैपिटोल हिल यहीं पर अमेरिका की संसद के दोनों सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट बैठते हैं तो इस पर हमला कर दिया जो कि एक बहुत ही चर्चित बहुत ही ज्यादा मतलब हिला देने वाली खबर है विश्व शक्ति जो दुनिया में सर्वशक्तिमान देश माना जाता है उसकी संसद पे हमला कर दिया तोड़फोड़ मचाई गई अब समझते हैं वोट क्या है यह पूरा इस पूरे समस्या को समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए अमेरिका एक देश है अमेरिका जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं क्या बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका नोट करते रहे इधर करा देता हूं थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा ना चलिए इधर बस एक सेकंड रुक जाइए स्टार्ट करते हैं एक देश है साथी मेरे जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यह देश जो है यूएसए यह उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर बसा हुआ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर यह प्रमुख दो देश बसे हुए हैं इधर ऊपर कनाडा और नीचे क्या बसा हुआ है यूएसए बसा हुआ है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका नाम का देश बसा हुआ है शुरुआत में यहां पर तेरह कॉलोनी हुआ करती थी क्या हुआ करती थी तेरह कॉलोनी कॉलोनी मतलब ये लोग यूरोप से आकर रहने लगे यहां पर यूरोप से आकर लोग रहने लगे यूरोप से आकर लोग रहने लगे जिन पर यूरोप में ब्रिटेन में पाबंदियां लगाई जाती थी या जा वहां उनको परेशान किया जाता था तो तेरह कॉलोनी अमेरिका के पूर्वी तट पर बसी अमेरिका के दो तट है एक अटलांटिक महासागर की तरफ अटलांटिक महासागर की तरफ अटलांटिक महासागर की तरफ जैसे कि आपके इधर न्यूयॉर्क कह सकते हो वॉशिंगटन मैसेचुएट्स इधर आप फ्लोरिडा कह सकते हो ये जो जगह है ये अमेरिका के अटलांटिक महासागर या आप ये कह सकते हो पूर्वी तट की ओर है किसकी ओर है पूर्वी तट की ओर जब इधर देखोगे तो इस तरफ पश्चिमी तट प्रशांत महासागर की ओर या पैसिफिक ओशन की ओर जो है ये कैलिफोर्निया आदि हो जाते हैं क्या हो जाते हैं कैलिफोर्निया आदि तो सबसे पहले जो तेरह कॉलोनी बसी वो इस तरफ बसी ब्रिटेन ने इन पर टैक्स आदि लगाना शुरू हुआ जब ब्रिटेन ने इस पर टैक्स लगाना शुरू हुआ तो अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ ब्रिटेन के खिलाफ किसके खिलाफ ब्रिटेन ज्यादातर लोग ब्रिटेन के निवासी और अलग अलग यूरोपियन देशों के निवासी और ये लोग ब्रिटेन के खिलाफ ही क्या शुरू कर देते हैं साथी मेरे ब्रिटेन के खिलाफ ही यहां पर स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम वार ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हो जाता है इसी स्वतंत्रता के संग्राम में घटना घटती है 16 दिसंबर सत्रह को जिसको बोस्टन टी पार्टी कहते हैं क्या कहते हैं बोस्टन टी पार्टी यहां पर क्या है कि ब्रिटेन से चाय भेजी जाती है और उस चाय को यहां के जो नौजवान है यहां के जो स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो उसे समुद्र में बहा देते तो याद रखिएगा आपसे पूछता है पूछा है 2016 में एनटीपीसी में बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस देश के स्वतंत्रता संग्राम से है तो क्या बताओगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई में साथी मेरे अमेरिका कामयाब हो जाता है 4 जुलाई सत्रह को अमेरिका आजाद हो जाता है कितने जुलाई को 4 जुलाई सत्रह अमेरिका स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और धीरे 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 ये जो तेरह कॉलोनी है ये तेरह कॉलोनी होते होते आज अमेरिका के कितने राज्य हो जाते हैं अमेरिका के पचास राज्य हो जाते हैं आज जैसे भारत के अट्ठाईस राज्य हैं इसी तरह अमेरिका के पचास राज्य हैं अमेरिका में कितने स्टेट्स आते हैं साथी मेरे पचास स्टेट्स आते हैं अमेरिका में पचास स्टेट्स आते हैं जिनको नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में बांटा जाता है मुख्य तौर पर ये जो दक्षिण के राज्य होते हैं यहां पर स्लेवरी सिलेवरी ये यहां पर दासता का चलन था लोगों को दास बनाकर रखा जाता था खेती बाड़ी कराई जाती थी जबकि नॉर्थ की कॉलोनी के खिलाफ होती थी नॉर्थ और साउथ में अमेरिका में सिविल वॉर हो जाती है गृह युद्ध हो जाती है अब्राहम लिंकन जी के समय पर और इस युद्ध को नॉर्थ की कॉलोनी जीत जाती है दोनों को मिलाया जाता है और यहीं पर डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल टू पीपल ये कि लोकतंत्र लोगों के लिए होता है लोगों के द्वारा होता है लोगों से होता है इस तरीके का भाषण कौन देते हैं अब्राहम लिंकन साहब देते हैं 4 जुलाई सत्रह को अमेरिका आजाद हो जाता है अब 50 राज्यों का देश है 50 राज्य है तो जाहिर सी बात है यहां पर फेडरल सिस्टम है यहां पर जो सरकार चलती है वो कैसी सरकार चलती है साथी मेरे वो फेडरल सरकार चलती है देखो भारत में फेडरलिज्म है अर्थात संघवाद पर और यहां पर पूरी तरीके से संघवाद है जबकि भारत में अगर आप कहोगे अमेरिका में पूर्ण संघवाद है जबकि भारत में अर्ध संघवाद भारत में कैसा संघवाद है साथी मेरे संघवाद अर्धसंघवाद का मतलब होता है जो शक्तियां होती हैं, वो केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं। केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है और अगर इसमें कोई झगड़ा होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है और इनकी शक्तियां कौन किस पर कानून बना सकता है यह संविधान में लिखित तौर पर लिखा होता है इसलिए भारत में अर्धसंघवाद क्यों है भारत में पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है क्यों क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो राज्य की शक्तियां भी किसको ट्रांसफर हो जाती है केंद्र को लेकिन अमेरिका में पूर्ण संघवाद तो एक तो राज्य की सरकारें होती है और एक पूरे फेडरल स्टेट या संघ सरकार होती है संघ सरकार यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहां पर कौन सी है प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षीय सरकार की व्यवस्था है भारत में संसदीय सरकार है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि पार्लियामेंट में लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत के लाएगी उसी के नेता को क्या मिलेगा आ, उसी के नेता को प्रधानमंत्री पद मिलेगा लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय अर्थात जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके लिए चुनाव होते हैं जो राष्ट्रपति साहब होते हैं उसके लिए इलेक्शन होते हैं कहां पर अमेरिका में अब यहां पर दो तरीके के इलेक्शन होते हैं बच्चा एक होती है पॉपुलर वोट पॉपुलर वोट क्या होती है जैसे मैं, तुम हम सब जिनकी अठारह वर्ष से उम्र ज्यादा है पॉपुलर वोट करते हैं और पॉपुलर वोट से पॉपुलर वोट हम सीधे सीधे राष्ट्रपति को नहीं करते हम उससे एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनते हैं क्या चुनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और यहां की जितनी भी जनसंख्या है जो वोट करती है वो इलेक्टोरल कॉलेज चुनती है जिसकी पांच सीट होती है कितनी सीट होती है पांच और फिर ये जो इलेक्टोरल वोटर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो इसमें दो पार्टी हैं दो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हुए एक जो बिडेन और एक डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में था और जो बिडेन ये पहली बार राष्ट्रपति पद के उसमें चुनाव में खड़े हुए इनको इक्यासी मिलियन अभी तक के यूएसए के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट किसको मिली जो बिडेन को मिली ओबामा से ज्यादा अब्राहम लिंकन से ज्यादा सबसे ज्यादा और इसको भी ऐसा नहीं कि जो ये क्या नाम था आपका ट्रंप था कि इसको ज्यादा वोट इसको कम वोट मिली हो वोट इसको भी बहुत मिली लगभग चौहत्तर मिलियन मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों उम्मीदवारों को दोनों उम्मीदवारों को सत्तर मिलियन से ज्यादा वोट मिली हो दोनों उम्मीदवारों को चौहत्तर मतलब इसको चौहत्तर इसको इक्यासी सत्तर मिलियन से ज्यादा पॉपुलर वोट से इलेक्टोरल कॉलेज अब ये 538 के हाथ में है कि ये किसको चुनेंगे ये डोनाल्ड ट्रंप को चुनेंगे या हमारे यहां पर तो आप डायरेक्ट लोकसभा के चुनाव में वोट करते हो लेकिन वहां की जनता इलेक्टोरल कॉलेज चुनती है और ये इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनता है तो इन्होंने क्या किया इस 538 में से 306, 306 इलेक्टोरल वोट किसको मिले साथी मेरे जो बिडेन को मिले जो कि आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं किस पार्टी के उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बिडेन जो बिडेन और अभी ये अमेरिका के छियालीसवें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे 20 जनवरी 2021 को 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ जबकि 200 अब इसमें से पांच सौ और तीसमें से 300 छह हटा दो आठ में से छह चले गए दो दो सीट जो मिली दो वोट यह डोनाल्ड ट्रंप को मिली किसको मिली डोनाल्ड ट्रंप को दो जबकि जीत के लिए आपको कम से कम 270 सीट चाहिए मेजोरिटी बहुमत के लिए जीत के लिए कितनी सीट चाहिए 270 तो 270 या 270 से ज्यादा किसको मिली जो बिडेन साहब को मिली यह सब कुछ हो गया अब किसको कितनी वोट मिली है इसके लिए फाइनल गिनती जो होती है फाइनल गिनती जो होती है वो फाइनल गिनती अमेरिका की संसद के जॉइंट सत्र में होती है अमेरिका की संसद के जॉइंट सत्र अमेरिका की संसद के संयुक्त अधिवेशन में होती है जैसे यहां पर ज्वाइंट सेशन होता है भारत में भारत में ज्वाइंट सेशन होता है तो फाइनल गिनती जो है जहां पर माहौल लगाई जाती है कि कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है तो फाइनल गिनती जो होती है वो अमेरिका की संसद के संयुक्त अधिवेशन में होती है ज्वाइंट सेशन में होती है अब यहां पर आ जाता है मेन बात अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं अपनी कॉपी में लिखना मुझे बहुत भरोसा है तुम पर कि तुम लिख रहे होगे अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं साथी मेरे कांग्रेस कहते हैं अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं यह दो सदनीय होती है इसमें एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है बाबू मेरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है सीनेट सीनेट में पचास राज्य है प्रत्येक राज्य को दो सीट तो कुल कितनी सीट होती है जो वोट करते हैं सौ सीट जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चार सौ पैंतीस तो वोट करने वाली जो कुल संख्या होती है वो चार सौ पैंतीस प्लस सौ पांच सौ पैंतीस नॉन वोट मतलब जो वोट नहीं करते छह सीट और हो जाती है तो कुल मिला के पांच सौ इकतालीस तो इसकी होती है संख्या लेकिन वोट कितने देते हैं 535 अब इन दोनों का जो जॉइंट जो सेशन है संयुक्त अधिवेशन वो नॉर्मल तौर पर वहां की स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी करती हैं लेकिन एक संयुक्त अधिवेशन ऐसा है जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज की गिनती की जाती है इलेक्टोरल कॉलेज की गिनती इलेक्टोरल वोट की गिनती की जाती है किसको कितने मिले फाइनल गिनती उस पर मोहर लगाई जाती है इस सत्र की जो अध्यक्षता है वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं वहां के उपराष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति फाइनल घोषित करते हैं कि भाई यहां कौन कौन शपथ लेगा कौन शपथ नहीं लेगा इलेक्टोरल वोट की गिनती तो इलेक्टोरल वोट में 306 वोट किसको मिली जो विडेन को मिली ये इलेक्टोरल वोट की बात कर रहे हैं हम हम उन वोट की बात कर रहे हैं जो राष्ट्रपति के लिए होती है इलेक्टोरल वोट समझ गए जबकि यहां पर हम लोग संसद के सदन की आ, संसद के सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं चार सौ पैंतीस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट सौ वर्तमान में एक सौ सत्रहवीं कांग्रेस शुरू हुई है तीन जनवरी दो हजार इक्कीस से तो कल थी सात तारीख सात तारीख को अमेरिका छह और सात तारीख में अमेरिका में इस जॉइंट सेशन शुरू हुआ और यहीं पर ट्रंप के क्योंकि ट्रंप कहता रहा कि भाई जो चुनाव में गड़बड़ी हुई है और अपने समर्थकों से कि तुम यहां पर आ जाओ वॉशिंगटन राजधानी और कैपिटल हिल पर कब्जा कर लो उसके बहुत ही भक्त सपोर्टर हैं उन्होंने इनके संसद भवन इनके संसद भवन का देखो संसद का नाम है कांग्रेस पार्लियामेंट का और संसद भवन का नाम है कैपिटोल हिल क्या नाम है कैपिटोल हिल ये वॉशिंगटन डीसी में है कैपिटोल हिल ये अमेरिका की संसद का नाम है संसद भवन का भैया इस पर हमला कर दिया कई सारे लोग मारे गए लगभग चार बावन के करीब गिरफ्तार कर ली गई और इतिहास में एक लोकतंत्र पर काला धब्बा लग गया कि जो व्यक्ति जीत रहा है उस व्यक्ति को पहले वाला व्यक्ति अपनी वोट ट्रांसफर नहीं कर रहा पावर तो यह हुआ है कल अमेरिका में 306 वोट किसको मिली है जो बिडन को मिली है एक दो चीज लिख लीजिए यहां पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करेंगे उनके लिए चुनाव नहीं हुआ था उनको ऐसे ही सीधे सीधे जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके लिए चुनाव नहीं हुआ था उनको ऐसे ही चुन लिया गया था याद रखिएगा 30 अप्रैल सत्रह को जॉर्ज वॉशिंगटन क्यों क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन वो व्यक्ति थे जो अमेरिकी की उस सेना का जिसने ब्रिटेन की सेना से लड़ाई लड़ी थी आजादी की लड़ाई उसके लीडर थे उसके नेता थे जनरल थे तो जॉर्ज वॉशिंगटन सत्रह में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं एडम्स जॉन एडम्स करके क्या नाम था जॉन एडम्स और बाद में जॉन एडम्स दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं जॉन एडम्स चलिए भैया पहले कुल मिला के याद रखिएगा चौवालिस व्यक्ति देखो अब यहां पे दिक्कत होगी तुम्हें चौवालिस व्यक्ति चौवालिस इंडिविजुअल चौवालिस इंडिविजुअल ये कह सकते हैं हम चौवालिस व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठे अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर फिर कहोगे सर डोनाल्ड ट्रंप ये पैंतालीसवें राष्ट्रपति क्यों हैं तो मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति दो अलग अलग समय पर एक व्यक्ति दो अलग अलग समय पर एक व्यक्ति दो अलग अलग समय पर राष्ट्रपति बना बना तो वो दो बार लेकिन अलग अलग समय पर इसलिए उसकी नंबरिंग दो बार की गई उसकी नंबरिंग की कितनी बार की गई बच्चा उसकी नंबरिंग दो बार की गई समझिएगा मेरी बात उसकी नंबरिंग कितनी बार की गई उसकी नंबरिंग दो बार की गई क्योंकि उसको दो बार बना था क्या बना था दो बार ग्रोवर क्लीवलैंड ग्रोवर क्लीवलैंड करके वो व्यक्ति था ये दो बार अलग अलग समय पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो आप ऐसा कह सकते हो बाईसवां और चौबीसवां बाईसवां और फिर चौबीसवां इसलिए इसको बाईसवां भी माना जाता है चौबीसवां भी माना जाता है तो चौवालीस व्यक्ति कुल मिला के जब इसको दो बार माना गया तो एक कार्यकाल तो सीधा सीधा बढ़ गया इसलिए वर्तमान प्रेसिडेंट जो है वो कौन है पैतालीसवां है डोनाल्ड ट्रंप जबकि जो बिडेन जो होगा जो बिडेन 20 जनवरी से ये छियालीसवें होंगे जो बिडेन बीस जनवरी से छियालीसवें छियालीसवें राष्ट्रपति जबकि चुनाव कौन से नंबर के हुए उनसठवें नंबर के चुनाव हुए राष्ट्रपति पद के उनसठवें नंबर के चुनाव तीन नवंबर दो हजार बीस को तीन नवंबर दो हजार बीस को चुनाव आमिर लास्ट में इलेक्टोरल वोट की गिनती छह और सात जनवरी जबकि शपथ कब लेंगे 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे 20 जनवरी 2021 को छियालीसवें राष्ट्रपति इसी तरह अगर हम लोग उपराष्ट्रपति पद की बात करें किसकी बात करें उपराष्ट्रपति तो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति प्रथम महिला उपराष्ट्रपति प्रथम महिला उपराष्ट्रपति ये अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी और ना ही कोई महिला राष्ट्रपति बनी है फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट इनकी माता चेन्नई से है कमला हैरिस कमला हैरिस कमला हैरिस याद रखिएगा ये उनचासवीं वाइस प्रेसिडेंट होंगी उनचासवीं इससे पहले जो बिडेन साहब जो हैं, इससे पहले जो बिड़ेन 2008 में उन्होंने कोशिश की 1988 में कोशिश की कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ये क्या बन जाए उम्मीदवार बन जा नहीं बन पाए डेलावेयर ये इनका राज्य आता है डेलावेयर ये इनका राज्य जहां से सीनेट में चुने गए थे वर्ष की आयु में डेलावेर जबकि ट्रंप आता है फ्लोरिडा से ट्रंप कहां से आता है बच्चा फ्लोरिडा से आता है ट्रंप कहां से आता है फ्लोरिडा से याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक रहने वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये वर्ल्ड वॉर टू के समय पर भी थे फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति याद रखिएगा साथी मेरे चार बार बार? चार बार 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 राष्ट्रपति बने कितनी ये इकलौते ऐसे व्यक्ति 1945 में जब मरे तो ये चौथी बार राष्ट्रपति बने थे लगभग 12 साल के करीब इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है लेकिन 1951 में अमेरिका के संविधान में एक संशोधन होता है और एक व्यक्ति अधिकतम एक व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है पहले पहले कितनी बार भी बन सकते थे लेकिन उन्नीस से संशोधन होता है और अब व्यक्ति मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है मैक्सिमम दो बार बन सकता है एगो फिर से कह रहा हूं शिद्दत से पढ़ो चीजें तुम्हारे हाथ से बाहर नहीं जाएगी अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है तेरे कॉलोनी ये बसी आकर धीरे धीरे यूरोप से आकर लोग रहने लगे फिर ब्रिटेन ने इन पर टैक्स वगैरह लगाना शुरू किया इन पर दबाव देना शुरू किया ब्रिटेन से इनका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है इसी चीज में एक बोस्टन टी पार्टी होती है सत्रह और 4 जुलाई सत्रह को अमेरिका आजाद हो जाता है ब्रिटेन से फिर कुल मिला के तेरह कॉलोनी से कितनी कॉलोनी हो जाती है पचास राज्य हो जाते हैं आज अमेरिका में कितने राज्य हैं पचास राज्य हैं दो तरीके की सरकार एक राज्य पर एक केंद्र पर पूर्ण फेडरलिज्म पूर्ण संघवाद ना कि भारत के जैसा अर्ध संघवाद या ये कह सकते हो क्वासी फेडरलिज्म यहां पर नहीं है अमेरिका में पूर्ण संघवाद है संघ सरकार की अलग शक्तियां होती है राज्य की अलग और जिन शक्तियों का जिक्र ना संघ में ना राज्य में है जिनको हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो राज्य के पास होती है जबकि भारत में केंद्र के पास अध्यक्षीय सरकार है भारत में संसदीय सरकार होती है अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है जनता पॉपुलर वोट देती है उसके जरिए इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करती है पॉपुलर वोट जो बिडेन को इक्यासी मिलियन डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिक पार्टी के वर्तमान में भी राष्ट्रपति है चौहत्तर मिलियन इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज की वोट कितनी है पांच अब ये डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव में वोट देंगी तो पांच लोगों ने बहुमत के लिए 270 चाहिए 306 जो बिडेन को मिले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जबकि दो डोनाल्ड ट्रंप को मिले दो और डोनाल्ड ट्रंप ग्यारहवें ऐसे राष्ट्रपति बने ग्यारहवें ऐसे राष्ट्रपति जो दोबारा नहीं चुने जा सके दोबारा नहीं चुने जा सके ये ग्यारहवे ऐसे व्यक्ति बने अठहत्तर वर्ष के जो बिडेन राष्ट्रपति सबसे बुजुर्ग अमेरिका की संसद कांग्रेस जब ये इलेक्टोरल वोट कंफर्म हो जाते हैं तो अमेरिका की संसद इन पर क्या लगाती है मोहर लगाती है चार सौ पैंतीस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सौ सीट सीनेट में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जब इलेक्टोरल वोट की फाइनल गिनती होती है उपराष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ही घोषणा की कि 20 जनवरी को कमला हैरिस उपराष्ट्रपति और जो बिडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ठीक है भैया इनकी संसद भवन का नाम है कैपिटोल हिल जहां पर कल हमला किया गया चलिए जो बड़े छालीसवें बीस जनवरी को शपथ लेंगे चुनाव उनसठवें तीन नवंबर को पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स चौबालीस इंडिविजुअल राष्ट्रपति के पद पर अभी तक बैठे हालांकि गिने पैंतालीसवें जाते हैं क्योंकि जो ग्रोवर क्लीवलैंड थे वो दो बार बने थे चलिए सबसे ज्यादा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे ज्यादा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लगभग बारह साल पहले कितनी भी बार बन सकते थे लेकिन उन्नीस सौ इक्यावन में संशोधन करके अधिकतम दो बार कर दिया गया कमला हैरिस उनचास वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी पहली फीमेल पहली फीमेल तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कितनी सीट मिली है तीन सौ छह जबकि डोनाल्ड ट्रंप को कितनी मिली है दो सौ बत्तीस और बहुमत जीत के लिए कितनी होनी चाहिए दो सौ सत्तर और कुल कितनी होती है इलेक्ट्रोन वोट दो सो पांच सौ अड़तीस गधा होता है डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह और यह हाथी होता है रिपब्लिक पार्टी का चिन्ह यहाँ पे दो प्रमुख पार्टी है चलिए 20 जनवरी 2021 को ये शपथ लेंगे 20 जनवरी 2021 को शपथ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो था ये उनसठवां इलेक्शन था जिसका मकसद 40वें राष्ट्रपति का चुनाव करना था अगर जो बिड़े नहीं बनते तो डोनाल्ड ट्रंप पैंतालीसवा ही रहता जो ने हरा दिया इसको सैतालीस वे उपराष्ट्रपति भी थे इससे पहले ओबामा के समय पर रिपब्लिक पार्टी एलिफेंट डोनाल्ड ट्रंप जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल होता है गधा चार साल का कार्यकाल होता है दो साल की लिमिट होती है दो बार की उन्नीस सौ इक्यावन अप्रत्यक्ष चुनाव होता है पैंतीस वर्ष की आयु और अमेरिका में जन्मा अमेरिकी नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है और कम से कम चौदह साल तक वो अमेरिका में रह रहा हो पहले जॉर्ज वॉशिंगटन चौवालीस में बराक ओबामा पैंतालीस में डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा की किताब भी आई है हाल ही में, दी किस नाम से किताब आई है दी नाम से किताब आई है थोड़ा सा ज्यादा मत समझिएगा कमला हैरिस जी की मां श्यामला गोपालन चेन्नई से है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति इस सब को आपको जानने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका के किस राज्य में इलेक्टोरल कॉल वोट जो होती है पांच सौ अड़तीस में से सबसे ज्यादा सीट होती है तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा सीट होती है कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा यही से मंत्र चुनी गई है प्रेमिला जयपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चार भारतीय हैं जो अमेरिका की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रेमिला जी जयपाल राजा बारी ये तो पांचवी बार है और राजा मूर्ति करके भी है और एक रो खन्ना करके है, है? कैलिफोर्निया में और सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है टेक्सास जिसमें अड़तीस है टेक्सास में कितनी है साथी मेरे अड़तीस हो जाती हैं उसके बाद में आपका आ जाता है फ्लोरिडा फ्लोरिडा में आ जाती है उनतीस चलिए हवाई में चार दो जीतने के लिए तरनजीत सिंह संधु हमारे वहां पर राष्ट्रपति हैं मतलब तरनजीत संधु हमारे वहां पर भारतीय राजदूत है राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे पोटोमेक नदी के किनारे चलिए आगे आ जाते हैं हाल ही में कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है जो 2023 तक यह चाहता है कि अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए 2023 तक अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए कब तक 2023 तक फिर से समझिए अभी क्या है लोहे के एल्यूमिनियम के और अलग अलग बहुत सारी धातु आदि होती हैं, बहुत सारे मेटल्स बहुत सारे एलोय आदि से बने सैटेलाइट होते चाहे वो हमारा आर्यभट्ट हो चाहे वो दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पूतनिक एक हो या कोई भी सैटेलाइट हर महीने आप देखते हो दस बीस सैटेलाइट अलग अलग देश छोड़ते हैं दस बीस सैटेलाइट अलग अलग देश छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल सही अब हर एक सैटेलाइट की एक लाइफ होती है कि भाई पांच साल दस साल बाद ये क्या हो जाएगा ये सैटेलाइट खराब हो जाएगा पांच साल दस साल बाद ये सैटेलाइट खराब उसके बाद में वो सैटेलाइट अंतरिक्ष कचरे के रूप में धरती के चारों तरफ घूमता रहेगा अब आपने कोई फ्रेश सैटेलाइट छोड़ा कोई न्यू सैटेलाइट छोड़ा तो क्या होगा कि पुराने सैटेलाइट का जो कचरा है हो सकता है इससे भिड़ जाए और आपका जो नया सैटेलाइट है वो खराब हो जाए आपका इतना ज्यादा नुकसान हो जाए तो इससे इसका एक इलाज है क्या इलाज है कि आप एक लकड़ी का सैटेलाइट बनाओ लकड़ी का सैटेलाइट लाइफ खत्म हो जाए उसको बंद कर दो वो जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की ओर आएगा तो हमारे वायुमंडल से टकराएगा वायुमंडल से क्या होगा घर्षण होगा वायुमंडल से क्या होगा फ्रिक्शन होगा हवा से और फ्रिक्शन होकर लकड़ी में आग लग जाएगी क्या हो जाएगी आग लकड़ी का उपग्रह होगा तो उसमें आग लग जाएगी और कुछ हद तक पूरी तरह से तो नहीं कह सकते क्योंकि हर एक चीज लकड़ी की नहीं बना सकते लेकिन कुछ हद तक अंतरिक्ष कचरे की समस्या समाप्त हो जाएगी अंतरिक्ष कचरे की समस्या समाप्त हो जाएगी इसी अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए हमारे इसरो ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2019 में आपको याद हो जिसका नाम था प्रोजेक्ट नेत्र नेटवर्क प्रोजेक्ट नेत्र यह हमारे इसरो का प्रोजेक्ट था किसका प्रोजेक्ट था साथ ही इसरो का प्रोजेक्ट था नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस बेटा ध्यान दे नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ये प्रोजेक्ट नेत्र किसका था साथी मेरे ये प्रोजेक्ट नेत्र इसरो का था इसके तहत इसरो कुछ राडार कुछ राडार और टेलीस्कोप लगाता जैसे एक राडार लेह में और अलग अलग टेलीस्कोप लगाता जिससे अंतरिक्ष मलबे कचरे पर नजर रखी जा सके अंतरिक्ष में जो पुराने सैटेलाइट का मलबा या कचरा है उस पर नजर रखी जा सके कि कहीं वो हमारे नए उपग्रह को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा नए उपग्रह को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा नुकसान इसके पूरा ट्रैक करने के लिए नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था इसरो का कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था 2019 में इसरो ने इसको लॉन्च किया था सितंबर 2019 में सितंबर 2019 में ये इसरो ने साथी मेरे इसको लॉन्च किया था समझ रहे हैं मेरी बात प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष मलबा कचरे पे नजर रखने के लिए चलिए भैया तो याद रखिएगा इस समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है यह जापान कर रहा है कौन कर रहा है साथी जापान जापान 2023 तक एक ऐसा उपग्रह भेजना चाहता है जो कि अधिकतर लकड़ी से बचा हो देखो इस तरीके से दिखाया गया है अंतरिक्ष कचरा देख रहे हो कुछ ना कुछ सोलर पैनल हुआ कुछ ना कुछ घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ हालांकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से गिरता भी रहता है लेकिन गिरने से पहले तो कुछ ना कुछ तो घूमता है फिर पूरी तरीके से जलता भी नहीं है पूरी तरीके से जलता भी नहीं है यह है उन्नीस में कुछ नहीं था 2005 में देखो 2018 में यह कचरा है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और देखो 2030 तक तो एक क्या रायता फैलाएंगे ये क्या रायता फैलाएंगे तो सुमी टोमो फोरेस्ट्री कंपनी है जापान की और जापान के यूनिवर्सिटी है ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, जिसे दो तक भेजने की योजना है कब तक भेजने की योजना है साथी 2023 तक भेजने की योजना है पृथ्वी के वायुमंडल में ये पुनः प्रवेश करते समय आसानी से जल जाएंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते ही फ्रिक्शन होगा घर्षण होगा आग लग जाएगी इस प्रकार से अपने पीछे ये बहुत कम हानिकारक कबाड़ छोड़ते हैं बहुत कम हानिकारक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कि लगभग 6000 उपग्रह आज पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे जिनमें से 60% सही से वर्क नहीं कर रहे अर्थात इनकी मियाद खत्म हो चुकी है लाइफ खत्म हो चुकी है इसको स्पेस इस जंक कहेंगे जिसका तुम्हारा काम की चीज नहीं है जो तुम्हारे काम में आए वो कचरा ही तो होता है तो याद रखिएगा दो तक यह संख्या छह से बढ़कर पंद्रह से अधिक पहुंच जाएगी तब सोचो कितना ज्यादा रायता फैलेगा ये किसने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका उन्नीस में क्लोस स्वाब नाम के व्यक्ति ने क्या किया है क्लोस तो स्वाब नाम के व्यक्ति ने इसका गठन किया है और 2021 में इसकी जो बैठक होगी उसकी थीम होगी ग्रेट रीसेट और इसकी बैठक कहां पर होगी वार्षिक बैठक इसकी इक्यावनवी वार्षिक बैठक जो होगी वो सिंगापुर में होगी इक्यावनवी वार्षिक बैठक सिंगापुर हर साल दावोस में होती थी इस बार सिंगापुर में होगी इक्यावनवी बैठक थीम क्या होगी ग्रेट रीसेट थीम क्या होगी साथी मेरे द ग्रेट रीसेट चलिए जापान के बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं उपग्रह कहां से शुरू हुए आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का अपना क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी के चारों तरफ कुछ चीजें परिक्रमा करने लगती हैं अगर ये पृथ्वी के चारों तरफ चीजें परिक्रमा करने लगे रिवॉल्व करने लगे परिक्रमा करने लगे रिवॉल्व करने लगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में दो तरीके की एक होती है प्राकृतिक तो जो रिवॉल्व करती है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं सैटेलाइट बोलते या उपग्रह बोलते हैं क्या बोलते है? उपग्रह एक तो होती है प्राकृतिक नेचुरल जैसे कि हमारा मून जैसे कि हमारा चांद चांद हमारा प्राकृतिक उपग्रह भाई वो भी तो धरती की परिक्रमा करता है और दूसरे होते आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनको कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं क्या बोलते हैं साथी कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये आपके मौसम की जानकारी देने के लिए आप जो इंटरनेट आदि पर मोबाइल आदि पर बात करते हैं संचार आदि के लिए फसलों आदि की कैमरे आदि से फोटो आदि के लिए इन सब के लिए काम आते ये दो तरीके के होते हैं एक लो अर्थ ऑर्बिट निम्न पृथ्वी कक्षा निम्न पृथ्वी कक्षा है मतलब पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी तक यह पृथ्वी की सतह है 400 किलोमीटर दूरी तक और एक होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट ये लगभग छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं पृथ्वी की सतह से छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर याद रखिएगा साथी जो हाई अर्थ ये संचार आदि उपग्रह होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन उपग्रह होते हैं वो आपके लगभग छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये रूस ने भेजा था दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट एस का मतलब है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह आज ऐसा माल जाएगा ना तुम्हारे पास माला माल हो जाओगे आज आज सारी गरीबी दूर कर देगा तुम्हारा ये फकीर कहते ना कि लपेट अपने बदन पर बबूल की साखें तेरी शिकस्त का जवाब ये गुलाब क्या देगा और हजरत एग्जामपुर की महफिल है जो ये फकीर देगा सला नक कोई नवाब क्या देगा चलिए कृत्रिम उपग्रह दुनिया का पहला चार अक्टूबर उन्नीस की बात रूस के द्वारा रशिया के द्वारा स्पूतनिक वन स्पूतनिक वन तो स्पूतनिक वन ये रशिया के द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह भारत भी पीछे नहीं रहा बोला लाहौल बिलाकुवत हम कैसे पीछे रह जाएंगे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्य भट्ट आर्य भट्ट जी के नाम पर जो भारत के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुए 19 अप्रैल 1975 सैटेलाइट बनाया भारत ने था लेकिन रूस के रॉकेट की वजह से भेजा किसके रॉकेट की मदद से रूस के रॉकेट की मदद से भेजा किसकी रॉकेट की मदद से रूस के रॉकेट की मदद से भेजा चलिए बच्चा तो दुनिया का पहला 4 अक्टूबर उन्नीस को दुनिया का पहला चार अक्टूबर उन्नीस को कौन सा स्पुतनिक वन जबकि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट उन्नीस अप्रैल उन्नीस को उन्नीस अप्रैल उन्नीस को चलिए दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसी लिख लीजिए दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसी लिख लीजिए दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसी और वो देश कौन सा है किस कंट्री की है और उनके नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है उनके जीपीएस का नाम क्या है उनके देसी जीपीएस का नाम क्या है सबसे पहले लिख दीजिए नासा नासा कहां की है अमेरिका की है अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दूसरा हो जाता है जाक्सा जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यह कहां की होती है जापान क्यू जेड एस एस इनके देसी इनके देसी जुगाड़ का नाम क्या है तो इनके देसी जुगाड़ का नाम है क्यू जेड एस एस इनके सैटेलाइट इसका नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है बाबू मेरे इनके नेविगेशन सिस्टम का नाम है क्यू जेड एस एस बताइए क्या नाम इनके का क्यू जेड एस एस तीसरे नंबर पर आ जाती है चाइनीज स्पेस एजेंसी क्या आ जाती है साथी मेरे तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी चाइनीज स्पेस एजेंसी चाइनीज चीनी स्पेस एजेंसी कहां की है चीन की है चाइना की है साथी मेरे इसका हो जाता है बी डू क्या हो जाता है बी डू चौथी हो जाती है इसरो इसरो की है भाई भारत की है इसरो कहा की अपने भारत महान की इनका हो जाता है नाविक इनका क्या हो जाता है नेविक पांचवी आ जाती है आपके सामने यूरोपियन स्पेस एजेंसी यह यूरोप के सभी देशों की मिलकर है यूरोप के सभी देशों की इनका हो जाता है गैलीलियो याद रखिएगा जो गैलीलियो है वो यूरोपियन का है गैली लियो चलिए और छठे नंबर पर आ जाता है रोसकोसमोस रॉस कॉसमोस ये हो जाती है रूस की ये किसकी हो जाती है रूस की और इनका देसी जीपीएस होता है ग्लोनास इनके देसी जीपीएस का नाम क्या है ग्लोनास तो ये कुछ स्पेस एजेंसी है। ये दुनिया की छह ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो खुद के दम पर अंतरिक्ष अंतरिक्ष में सैटेलाइट आदि छोड़ सकती है खुद के दम पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट आदि छोड़ सकती है खुद के दम पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट आदि छोड़ सकती है समझ रहे मेरी बात खुद के दम पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट आदि छोड़ सकती है अरे समझ रहे हो अरे तुम समझते तो ना हो तुम समझते तो ना हो तुम समझते तो काम ही ना हो जाता अरे राम बिल्कुल सही ईएसए यूरोप की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी गैलीलियो और इनके देसी नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहा था इसरो का नेविक चीन का बीडू जापान का क्यू जेड एस एस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रूस का गिलो रूस का गिलो भारत का पहला आर्यभट्ट 2020 में भारत ने कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े वो जरा लिख लीजिए 2020 में भारत ने एक छोड़ा जीसेट 30, 30 ये हमने कोरू से छोड़ा कहां से छोड़ा कोरू जनवरी 2020 में 17 जनवरी 2020 में फ्रेंच कोरू से 16 जनवरी 2020 में आगे जाता है ई ओ एस जीरो वन एस जीरो वन जिसको रीसेट टू बी आर वन भी कहते हैं रीसेट टू बी आर वन टू बी आर टू टू बी आर टू इसको हमने सात नवंबर दो हजार बीस सात नवंबर दो हजार बीस पी एस एल वी सी उनचास फ्लाइट और अभी बिल्कुल लेटेस्ट छोड़ा है सी एम एस जीरो वन सी एम एस जीरो वन ये ईओ एस है अर्थ ऑब्जर्वेशन ये पृथ्वी अवलोकन पृथ्वी की फोटो लेने के लिए और ये कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट सी एम एस जीरो वन जी सेट ट्वेल्व आर जी सेट ट्वेल्व आर इसको छोड़ा है साथी मेरे पीएसएलवी एस एक्सएल सी पचास से सत्रह दिसंबर 2020 हजार दिसंबर 2020 पीएसएलवी बीस एक्सएल सी पचास से यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यह पृथ्वी अवलोकन जबकि जी सेट भी तो ये तीन भारत ने 2020 में लेटेस्ट छोड़े हैं जी सेट तीस ईओ एस जीरो वन रीसेट टू बी आर टू इससे फोटो लेते हैं पृथ्वी की खींच मेरी फोटो और सी जीरो एक जी सेट बार आर ये हो जाता है कम्युनिकेशन भारत का पहला 19 अप्रैल 1975 को ये हो जाता है आपका का नाम है आपको कहा बोले यार भट्टवा चलिए भैया आगे आ जाते हैं आपका नेक्स्ट पर तो जापान आप जानते हैं राजधानी टोक्यो सुनी नदी के किनारे अभी 2021 जुलाई से अगस्त में अगर सब कुछ ठीक रहा तो बत्तीसवें ओलंपिक टोक्यो में होंगे बत्तीसवें ओलंपिक कहां पर होंगे साथी टोक्यो मुद्रा येन राष्ट्र के प्रधानमंत्री योशी हिडेसुगा जबकि भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा यहां पर साथी मेरे चार द्वीप से मिलकर बना हुआ है यह किससे मिलकर बना हुआ है चार द्वीप मुख्य रूप से चार आइलैंड है यहां पर एक हो जाता है होकाइडो एक कौन सा हो जाता है साथी मेरे होक्काइडो फिर आ जाता है होन्शु फिर आ जाता है आपका क्यूशू फिर क्या जाता है आपका हो काडे उसे नीचे यह आ जाता है आपका साथी मेरे शे, ये शिकोकु आ जाता है या क्या जाता है शिकोकु और सबसे दक्षिण में होता है होंशु ये क्यूशु जो राजधानी होती है वो होंशु द्वीप पर है सबसे बड़ा भी कौन सा है होंशु जबकि राजधानी टोकियो माउंट फ्यूजी नगोया क्योटो ये सारे के सारे मेन शहर जो हैं वो होंशु द्वीप पर होते हैं होकाइडो फिर नागा हो जाता है क्यूशू पर और बीच में पड़ जाता है आपका शिको को बीच में क्या पड़ जाता है शिको को चलिए अगला चैप्टर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है देखो ग्रेट रेनेसेंस बांध यह एक प्रस्तावित बांध है 2012 से इस पे काम चल रहा है इसका निर्माण किस देश में किया जा रहा है ग्रेट रेने बांध इसका निर्माण किस देश में किया जा रहा है किस नदी पर किया जा रहा है सुडान इटीरिया इथोपिया सोमालिया सुडानिया इथोपिया सोमालिया तो याद रखिएगा साथी मेरे ये इथोपिया नाम के देश में किया जा रहा है किस पर किया जा रहा है इथोपिया नाम के देश में यह ग्रैंड रेनेसेंस बांध का निर्माण किया जा रहा है ब्लू नील नदी पर कौन सी नदी पर ब्लू नील याद रखिएगा ब्लू नील ये नदी है इसी ब्लू नदी नील पर इथोपिया में ब्लू नील नदी जो है ये नील नदी की दो नदी होती है एक व्हाइट और एक ब्लू ब्लू नील जो है यह 80 प्रतिशत पानी लेकर आती है बारिश के समय पर अगर इस पर बांध बन गया तो पानी इजिप्ट तक नहीं पहुंच पाएगा मिस्र तक नहीं पहुंच पाएगा इसीलिए इजिप्ट और इथोपिया में लड़ाई चल रही थी जिसके बारे में अभी फैसला डोनाल्ड ट्रंप जाता जाता करवा रहा है इथोपिया नाम के देश में है बिल्यू नील नदी पर किस पर बिल्यू नील नदी पर अब मैं आपको यहां पर एक एक चीज बता रहा हूं हाल ही में इजिप्ट इथोपिया और सुडान ने इस नील नदी पर जो ये जल विद्युत परियोजनाएं जिसको ग्रैंड रेनेसेंस डैम कहा जाता है इसके ऊपर वार्ता को फिर से शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप की देखरेख में उसके दामाद जेरेड कुशनेर की देखरेख में नील नदी की बात करें कुछ लोग अमेजन को विश्व की सबसे लंबी नदी बनाते कुछ लोग नील को अमेजन सबसे अधिक पानी वाली सबसे अधिक पानी मतलब अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यह अमेजन नदी हो जाती है लेकिन सबसे लंबी नदी की बात करोगे तो साथी नील नदी को ही याद करना सबसे लंबी नदी की बात करो तो 6,650 किलोमीटर लंबी 6,650 किलोमीटर लंबी नील नदी कैसी नदी नील नदी नील नदी यह नौ देशों में होकर बहती है कितने देशों में नौ देशों से होकर बहती है नौ देशों से तो दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी है जबकि जो डेन्यूब नदी है यह यूरोप में पड़ती है यह दस देशों से होकर बहती है कितने देशों से दस देशों से जबकि नील नदी कितने देशों से होकर बहती है नौ देशों से होकर बहती है भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है कहां गिरती है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी एक शहर है मिस्र का अलेक्जेंड्रिया तो अलेक्जेंड्रिया में जाकर यह भूमध्य सागर से गिरती है स्वेज कैनाल पोर्ट सैद के पास लगभग 6,650 किलोमीटर व्हाइट नील ब्लू नील येलो नील ब्राउन नील ये सब क्या हो जाती हैं इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं अच्छे से याद रखिएगा जो व्हाइट नील है वो ग्रेट अफ्रीकन झील बोलते हैं वहां से निकलती है ग्रेट अफ्रीकन झीलों से अब मैं इसके बारे में तुम्हें पूरा समझा रहा हूं ये है व्हाइट नील यहां से निकलती है व्हाइट नील जिसे मुख्य तौर पर विक्टोरिया झील कहते हैं क्या कहते हैं साथी मेरे विक्टोरिया झील कहते हैं तीन देशों में पड़ती है केन्या युगांडा तंजानिया तंजानिया में सबसे ज्यादा पड़ती है चार परसेंट केन्या पैतालीस परसेंट युगांडा युगांडा की एक जगह है जंजी। क्या जगह है जंजी? ये तीन देशों में पड़ती है ना झील तो युगांडा की एक जगह है जंजी। वहां से व्हाइटनी निकलती है जो जुबा नाम का शहर है सुडान की राजधानी दक्षिणी सुडान की राजधानी साउथ सुडान की राजधानी जुबा से होती हुई फिर ये खारतून पहुंच जाती है सुडान की राजधानी खारतूम तक यहां पर इथोपिया से इथोपिया नाम का जो एक वो है वहां पर एक झील होती है ताना झील कौन सी झील होती है ताना झील ताना झील से एक और नदी निकलती है जिसको ब्लू नदी कहते हैं ब्लू नील व्हाइट और ब्लू दोनों कहां पर जाके मिलती हैं खारतूम और यहां से ये इजिप्ट की राजधानी काहिरा कायरों की तरफ बढ़ जाती है इसलिए इन दोनों से मुख्य मिलकर बनी है और सबसे लंबी व्हाइट है इसकी सहायक नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है तो मुख्य यही मानकर चलते कि विक्टोरिया विक्टोरिया झील इकलौती झील नहीं है विक्टोरिया झील इकलौती झील नहीं है विक्टोरिया झील जो है ये ग्रेट अफ्रीकन झील का हिस्सा है जो आपस में मिली हुई है अभी बताऊंगा पूरा का पूरा आज तुम्हें तरोताजा कर दूंगा तुम्हारे दिमाग को ये देख रहे हो आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तीन चार कितने देश आते हैं चार देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ही स्थित है इथोपिया इसमें कितने देश आते है? चार देश आते हैं कितने देश चार एक हो जाता है इरिटीरिया क्या हो जाता है इरिटीरिया इरिटीरिया के बगल में ही इथोपिया इसके बगल में ही जिबूती बाब अल की जल संधि और चौथे नंबर पर आ जाता है सोमालिया शु समझ रहे हैं मेरी बात चलिए अब ये हो गया इरिटेरिया राजधानी असमारा थोड़ा बड़ा कर देता हूं शायद दिख जाए देखो यहां पर ध्यान से थोड़ा पढ़ो अच्छे से ये दिख रहा है ये लाल सागर है ये क्या है लाल सागर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पे फिर स्वेज नहर शुरू हो जाएगी ये स्वेज नहर शुरू हो जाएगी और यहां पर भूमध्य सागर चलो अभी करेंगे इसे भी यहां पर आप देख रहे हो ये हो जाता है सऊदी अरब ये सऊदी अरब की एक बंदरगाह होती है इधर जेद्दा बंदरगाह जेद्दा ये हो जाता है यमन ये आपका गल्फ ऑफ अडन बोलते हैं जिसको अर्थात ये हिंद महासागर का हिस्सा है ये हिंद महासागर हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है बाब अल मंडप की जलसंधि बाब अल मंडप की जल संधि कौन सी जलसंधि बाब अल मंडप की जल संधि ये जिबूती हो गया ये इथोपिया हो गया और इधर आपका हो जाता है सोमालिया सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, जबकि इथोपिया की हो जाती है आडिस अबाबा। इसी इथोपिया में एक जगह है अब देखना इसी इथोपिया में एक झील है लेक ताना। थोड़ा सा देखिएगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं शायद आप मेरी बात समझे शायद आप मेरी बात समझे जो कि आपको समझनी पड़ेगी समझनी तो आपको पड़ेगी देखो तंजानिया में ही माउंट किलमन भी है याद रखिएगा ये है भाई तंजानिया ये क्या है तंजानिया तंजानिया में ये है आपकी विक्टोरिया झील ये कौन सी झील है विक्टोरिया झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा है एक लेक यहां पर भी है एक लेक यहां पर भी है इस वाले को अल्बर्ट झील कहते हैं इसको क्या कहते हैं लेक अल्बर्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं साथी मेरे लेक अल्बर्ट बोलते हैं इसी तरह एक लेक होती है लेक क्योगा यहां पर एक लेक होती है जिसको क्योगा झील बोलते हैं के वाई ओ जी झील लेक अल्बर्ट क्योगा झील और एक होती है साथी मेरे जिसको हम लोग बोलते हैं लेक एडवार्ड क्या बोलते हैं लेक एडवार्ड लेक एडवार्ड लेक एडवार्ड ये थोड़ी सी इस तरफ ये एडवर्ड झील होती है मैं चैलेंज देके कहता हूं ये मेरी चुनौती है 2021 में किसी एक पेपर में इन चारों से क्वेश्चन रहा हूं। इन चारों से पूछेगा लीक लेक अलबर्ट इसका संबंध किस नदी से है या किस बड़ी झील से है ये आपस में थोड़ी 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 मिली मिली झील होती है ये आपस में थोड़ी सी मिली हुई झील होती है जो किसी न किसी नदी आदि के द्वारा आपस में मिली हुई है तो जो व्हाइट नदी आपकी नील है जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है इसमें लेक विक्टोरिया अल्बर्ट एडवर्ड और लेक क्योगा, ये तीन चार झील है क्योगा, अल्बर्ट झील एडवर्ड झील ये तीनों किसी ना किसी तरीके से पानी विक्टोरिया में फैलाते हैं ये उनचास परसेंट तंजानिया ये आपका जाता है पैंतालीस परसेंट और चार परसेंट हिस्सा किसका हो जाता है ये विक्टोरिया झील में केन्या का हो जाता है तीन देशों में विक्टोरिया झील बटी हुई है अब जो आपकी व्हाइट नील है वो युगांडा वाला जो हिस्सा है जिसको जिंजा कहते हैं जिंजा नाम की एक जगह है वहां से व्हाइट नील निकलती है क्योगा में होती हुई ऐसे चक्कर खाती है फिर यहां से होती हुई ऐसे चलती चलती यहां पर आ जाता है जुबा दक्षिणी सुडान की राजधानी जुबा चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है चलते चलते ऊपर पहुंचती है चलते चलते कहां पर पहुंचती है ऊपर यह आ जाती है खारतून सुडान की राजधानी खारतून दोनों देश अलग अलग है ये रहा इथोपिया लेक ताना झील ताना आप सभी जानते हैं कि जो ब्लू नील होती है अभी आपको बताया 80 प्रतिशत पानी लेकर आती है नील का 80 प्रतिशत पानी लेक ताना से चली चलती चलती यहां पर डैम बनाया जा रहा है जिसको ग्रेट रेनेसेंस इथोपियन डैम कहते हैं फिर यहां से बिलुन खारतूम और खारतूम से होती हुई साथी मेरे खारतुम से होती हुई आप देखोगे कि ये हो जाता है आपका खारतूम ऐसे घूमते 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 फिर यहां से आ जाती है लेक नसीर नसीर झील कहां पर है ये मिस्र नाम के देश में है नसीर झील असवान जितनी भी मिस्र की प्राचीन सभ्यता है वो सब इसी के किनारे बसी है ये काहिरा शहर जो है मिस्र की राजधानी जिसको कायरों कहते हैं शहर मिस्र का पूछेगा अलेक्जेंड्रिया कहां पर भूमध्य सागर भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है भूमध्य ये लाल सागर ये क्या है लाल सागर ये हो जाता है भूमध्य सागर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक सौ किलोमीटर के करीब की लंबी एक नहर होती है जिसको स्वेज नहर कहते हैं अठारह से काम करना शुरू हुआ इस पे और अठारह में ये लेक बन के मतलब ये जो झील है मतलब ये जो नदी है स्वेज कैनाल ये जो नहर है स्वेज कैनाल ये बन के खत्म हो गई ये बन के क्या हो गई खत्म इस पर दो बंदरगाह हैं इस तरफ स्वेज शहर है स्वेज शहर याद रखिएगा लाल सागर की तरफ यहां पर जो बंदरगाह है उसको स्वेज बंदरगाह भी कहा जाता है और उसको के बंदरगाह भी कहा जाता है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा टीईडब्ल्यू एफ आई के जो लाल सागर की तरफ एक सौ तिरानवे किलोमीटर लंबा हिस्सा है एक सौ तिरानवे पॉइंट तीन किलोमीटर कह सकते हो इसको जबकि दूसरी तरफ भूमध्य सागर की तरफ जो है इसको पोट सेद कहते हैं सैद बंदरगाह पोर्ट सैद या सैद बंदरगाह और ये जो स्वेज नहर है स्वेज नहर में भी चार झील आती हैं, स्वेज नहर कितनी झीलों से मिलकर बना है, चार झीलों से मिलकर बना है लेक मंजिला, सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है मंजिला, लेक तमशा या इसको लेक तनाशा कहते हैं लेक तमशा ऐसे क्या कहते हैं साथी मेरे तिमसा कहते हैं लेक तिमसा लेक लेकिन तीसरी आ जाती है ग्रेट बिटर झील ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक ये चार झील हैं जो स्वेज नहर की हैं अल्बर्ट एडवर्ड क्यूबू या क्यूसू अल्बर्ट एडवर्ड और एक आ जाती है आपके साथी मेरे लेक क्योगा ये तीनों व्हाइट नील से संपर्क रखती हैं किससे संपर्क रखती हैं व्हाइट नील से संपर्क रखती हैं एक कागेरा कागेरा नाम की नदी होती है वो पानी लेकर आती है व्हाइट नील जबकि लेक ताना ये ब्लू नील से संबंध रखती है नासिर झील ये मिस्र में पड़ती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फोटो कॉपी ले लो इसका फोटो ले लो स्वेज नहर इन चार से मिलकर बनी है ये सबसे ऊपर फिर बीच में फिर तीसरी फिर चौथी लेख ग्रेट, ग्रेट बिटर, बिटर। दिया कि एडवर्ड वेडवर्ड ये सारी की सारी झील कहां पर होती है ये आपस में मिली हुई होती है आपस में क्या हुई होती है मिली हुई होती है इसको मैं अगर आपको एक बार और दिखाना चाहूं तो मेरा मन है कि मैं आपको इसको दिखाऊं कि इसको क्या कहते हैं क्योंकि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि थोड़ा सा अच्छा लगे ग्रेट अफ्रीकन लेक्स ग्रेट अफ्रीकन लेक्स ग्रेट अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन लेक्स ये पांच लेक हैं जो आपस में बहुत ज्यादा मिली हुई हैं. आपस में बहुत ज्यादा मिली हुई हैं. एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और यह चीज आपके लिए जरूरी भी है जाननी क्योंकि देखना इस बार पेपर में डेढ़ दो घंटे की क्लास में जिंदगी से बदलने वाली बात है देखो अब शायद समझ में आ जाए ये दिख रहा है ये जो झील है आपकी ये हो जाती है विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील जहां से व्हाइट नील निकलती है इसी से जंजी बढ़ेगी ऐसे करके ऐसे घूम के जाती है ना इस तरह से नील जाती है यह है क्योगा झील आज समझ में आया ये है अल्बर्ट झील क्या है अल्बर्ट यह है एडवर्ड ये क्या है एडवर्ड ये तीनों झील इससे संबंधित है जबकि लेक क्यूबू और लेक टंगीनिया का सबसे लंबी वाली ये कोंगो नदी से संबंधित है ये किससे संबंधित है साथी ये और ये ये कोंगो नदी से संबंधित है किससे संबंधित है कोंगो चलिए बच्चा इसी को कहते हैं ग्रेट अफ्रीकन लेक्स तो ये जो तीन है अल्बर्ट एडवर्ड और क्योगा, ये व्हाइट नील से संबंधित है ये व्हाइट नील से संबंधित है विक्टोरिया झील से संबंधित है क्लियर है चलिए, यहीं से तो जाती थी वो व्हाइट नील निकल के जब ऐसा गोल चक्कर मारती थी देखा गोल चक्कर नहीं मारा इधर आंख से देखो अच्छे से यहां से निकली ओ यू गोल चक्कर मारा और एलबर्ट से होती क्योगा से होती यू गोल चक्कर फिर आगे बढ़ रही है चली भाई बहुत बढ़िया बहुत शाबाश भाई थोड़ा सा तुम मेरे साथ समय तो लगता है पर तुम्हें मैं मतलब एकदम निहाल करके भेजता हूं निहाल करके अब यही है कि जो इस क्लास में रुक गया वो रुक गया और जो नहीं रुका उसका कोई मतलब ही नहीं है केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषा संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की भाषा संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति जिससे कि यहां की संस्कृति आदि को बहुत बढ़िया से संजोकर रखा जा सके भाषा को संस्कृति को भूमि को तो याद रखिएगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसका उद्देश्य लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि की सुरक्षा के लिए मतलब निर्णय लेना है इसकी सुरक्षा को इसकी संस्कृति को संभाल कर रखना है लद्दाख की जो संस्कृति है वो लगभग तिब्बत संस्कृति जैसी है बौद्ध संस्कृति यहां की बहुत ही ज्यादा है समझ रहे मेरी बात लद्दाख की जो संस्कृति है वो आपकी बौद्धिस्ट संस्कृति ज्यादा है तो जी किशन रेड्डी दस सदस्य हैं इसमें इसकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है चलिए लद्दाख की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करती थी उसके बाद में अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई 31 अक्टूबर 2019 जो कि इसकी बहुत पुराने समय से मांग थी लद्दाख की इसके दो कैपिटल है लेह और कारगिल और दो ही इसके जिले होते हैं जिले के नाम भी लेह और कारगिल और कैपिटल भी लेह और कारगिल जबकि राधा कृष्ण माथुर या आर के माथुर ये 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख के गवर्नर है 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख के गवर्नर साहब है जबकि यहां का जो कोर्ट है लद्दाख का लद्दाख और जम्मू कश्मीर इनका एक ही हाई कोर्ट है जम्मू और श्रीनगर ठंडों में जम्मू गर्मियों में श्रीनगर तो याद रखना पंकज मित्तल चार जनवरी को इसके चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल चार जनवरी 2020 को इसके चीफ जस्टिस बने हैं चीफ जस्टिस जबकि कौन बने हैं कोर्ट के जम्मू कश्मीर कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल चार जनवरी को जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हाल ही में आपको याद होगा कि पेंगोंग सो ये यहां की और आपका सो मोरोरी, पेंगोंग सो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट झील है जो कि एक सौ किलोमीटर की लंबी झील है यह भारत और चीन के बीच में इसको लेकर विवाद होता है पेंगोंग सो पेंगोंग सो पांच झीलों से मिलकर बनी है जबकि एक और झील होती है जिसको सो कहते हैं ये लद्दाख की पहली रामसर साइट थी 2002 में और हाल ही में 2019 में 2020 में 2020 में भारत की बयालीसवां रामसर स्थल सोकर झील को घोषित किया गया सोकर ये दो से मिलकर बनी है स्टार्ट सपूक झील और सोकर झील स्टार्ट सपूक जो होती है ये ताजे पानी की होती है जबकि सोकर झील जो होती है ये खारे पानी की होती है किसकी होती है खारे पानी उसके अलावा मीरपाल झील और कियागर झील ये चार पांच झील है मीरपाल और कियागर। यह हो जाता है अपना लद्दाख लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो इसका अधिकतर हिस्सा चीन और पाकिस्तान के पास है लगभग आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है इसका ये वाला जो हिस्सा है लगभग यहां तक समझ लीजिए और इसे आप लोग लगभग यहां तक समझ लीजिए यह तो अक्साई चीन ये चीन ने कब्जा कर रखा है गलत तरीके से और यह गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान स्कार्डू वगैरह जिसकी राजधानी होती है स्कार्डू आदि यहीं पर पड़ता है तो ये सब किसमें है यह पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है चलिए बच्चा अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है सिंधु पर आठ जल विद्युत परियोजनाएं हैं यहां पर लद्दाख में जो सिंधु नदी पर जिनसे बिजली बनाई जाने की बात है जैसे डुरबुक शोक शंकु निम्बू चिलिंग रोंगडो रतन नाग ये कुछ जल विद्युत परियोजना है आठ जो वहां पर बनाई जा रही है और वर्तमान में निम्बो बाजगो निम्बो बाजगो ये यहां पर कार्यशील परियोजना है इंडस नदी पर पानी से बिजली बनाने की दुर्बुक शंकु नीमू रोंगडो रतननाग चलिए हाल ही में कारगिल में देखें तो मंगडुम कारगिल हुंडरमन और तमाशा ये तीन तो पांच और तीन कितनी हो गई टोटल कितनी हो गई आठ हो गई पांच और तीन आठ इंदस रिवर जांसकर जांसकर यह जो नदी है यह सिंधु की सहायक नदी है जो साथी मेरे दक्षिण से उत्तर की तरफ आके बहती है इसी तरह शोक सुरु सराप नुब्रा नदी द्रास गलवान नदी गलवान घाटी की तो आपको याद है जहां पर भारतीय सैनिक शहीद हुए जबकि नुब्रा ये सियाचिन ग्लेशियर से आती है नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से आती है और फिर स्योक नदी में मिल जाती है गलवान भी स्योक में मिलती है और ये दोनों नदी इंदस में आके आगे बढ़ जाती है स्योक इधर से, इधर से। साथी। इधर से। अब आगे आ जाता है लद्दाख के बारे में दो तीन चीजें कर लीजिए लद्दाख दो जिले ये तो सब आपने कर लिया राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के बोध मठ कौन कौन लिख रहा है जरा बताना अरे गुगली जरा लिख के बता रहे कौन कौन लिख रहा है लद्दाख के बौद्ध मठ सबसे फेमस हेमिस मठ हेमिस मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री एक आ जाती है ताबू मोनेस्ट्री कौन सी आ जाती है साथी मेरे ताबू मठ यहां पे बुद्धिस्ट मठ की बात चल रही है ताबू मठ तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका थिक्से मोनेस्ट्री कौन सी थिक्से टी एच आई के एसी वाई ठीक से मोनेस्ट्री हेमिस नेशनल पार्क तो है ही है चौथे नंबर पर आपका आ जाता है शशुर मोनेस्ट्री शाह मोनेस्ट्री शाशुर मठ और पांचवा जाता है आपका रंग डूम मोनेस्ट्री रंग डूम मोनेस्ट्री ये पांच मठ होते हैं और पेपर में ना पूछे तो बता देना आके हेमिस ताबो से शासुर और रंगडुम हेमिस हेमिस हे ताबो से रंग रंगडुम सोवा रिग्पा सोवा रिग्पा यहां का परंपरागत चिकित्सा है जैसे आयुर्वेद होती है तो सोवा रिग्पा जो है यहां की परंपरागत चिकित्सा है ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति को क्या कहते हैं लद्दाख की यह तिब्बती चिकित्सा पद्धति है सोवा रिग्पा कहते हैं यह क्या हो जाती है साथी मेरे सोवा रिग्पा हो जाती है क्या हो जाती है सोवा रिग्पा समझ रहे मेरी बात सोवा रिग्पा चलिए अब यहां के कुछ फेमस लोक उत्सव लिख लीजिए लद्दाख के उत्सव भाई लद्दाख के उत्सव लिख लीजिए लद्दाख के फेस्टिवल्स लद्दाख के फेस्टिवल्स लोसार महोत्सव यह तिब्बती वर्ष होता है लोसार फेस्टिवल यह तिब्बती वर्ष होता है तिब्बती वर्ष तो इसी सब संस्कृति को बचाने के लिए यह कमेटी का गठन किया गया इसी सब संस्कृति को बचाने के लिए हेमिस फेस्टिवल सिंधु दर्शन हेमिस फेस्टिवल हेमिस मठ में होता है हेमिस में तीसरा जाता है सिंधु दर्शन कोई पूछे तो आप तुरंत बता देना कि सिंधु दर्शन कहां पर होता है तो सिंधु दर्शन जो है ये साथ ही मेरे लद्दाख में होता है कहां पर होता है लद्दाख फायंग पी एच वाई ए एन जी फायंग सी डुप टी -E, डी यू पी फयंग महोत्सव जो होता है फयंग महोत्सव सी डुप बिल्कुल सही डोस मोचे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा तुमसे डोस मोचे उत्सव डोस मोचे महोत्सव छठे नंबर पर आ जाता है साका दावा साका दावा महोत्सव साका साका दावा महोत्सव पांचवें नंबर पर क्या जाता है साथी मेरे साका दाबा महोत्सव आ जाता है टक टॉक टिकटॉक मत लिख लेना टक टॉक टक टॉक टक टॉक टक टॉक भी लिख लो लिखना है तो टक टॉक टक टॉक उसके बाद में आ जाता है साथी मेरे डांस इतने लिख लो पांच बहुत है लोसार हेमिस सिंधु दर्शन भयांक सीडुप डोस मोचे और साका दावा डोस मोचे और साका दावा डोस मोचे और साका डावा नृत्य लिख लीजिए लद्दाख के नृत्य लद्दाख के नृत्य बिट्टी बस तुम बस विश्वास करके पढ़ते रहना मैं कहता हूं ना शिद्दत एक शब्द याद रखना शिद्दत जिसको तुम लोग लगन भी कहते हो कोई नहीं रोक सकता जाबरो डांस जाबरो जबरा जाबरो नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट एक मास्क डांस होता है जिसको चाम नृत्य कहते हैं क्या कहते हैं एक नृत्य होता है जिसको चाम नृत्य कहते हैं क्या कहते हैं साथी मेरे चाम नृत्य कहते हैं एक यहां का बहुत ही फेमस डांस है शोन डोल डांस जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है शोन डोल नृत्य क्या हो जाता है साथी मेरे शोन डोल नृत्य हो जाता है क्या हो जाता है शोन डोल नृत्य हो जाता है क्लियर है शोन डोल नृत्य चलिए बहुत बढ़िया ये हो गए लद्दाख के बारे में डांस उत्सव नृत्य मठ डांस उत्सव नृत्य मठ चलिए मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सरफेस टू एयर अर्थात मीडियम जैसे आकाश है आकाश शॉर्ट रेंज की है सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज की है आकाश मिसाइल इसी तरह एक मीडियम रेंज की मिसाइल होती है मीडियम रेंज मतलब आप हवा में छोड़ोगे इसको जमीन से तो ये आने वाले एयरक्राफ्ट आदि जो होते हैं उनको निशाना बनाती है हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया इसे डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का जैसे हमारे भारत पर कोई मिसाइल अटैक कर देता है तो हम उसकी मिसाइलों को कैसे फोड़ेंगे कोई हम पर एयरक्राफ्ट से अटैक कर देता है तो इसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते मीडियम रेंज हमने इजराइल के साथ मिलकर डिस्कस किया है किसके साथ मिलकर इजराइल के साथ मिलकर डिस्कस किया है मीडियम रेंज ये इजराइल एरो ए, इंडस्ट्री होती है आई ए आई और भारत के डीआरडीओ ने साथ मिलकर विकसित किया है 50 से 70 किलोमीटर जबकि 12 से 25 और 35 किलोमीटर तक ही आकाश की रेंज थी आकाश मिसाइल की शॉर्ट रेंज दूर से कोई मिसाइल आ रही है जैसे मान लेता हूं पाकिस्तान ने दिल्ली पर कोई मिसाइल छोड़ दी हमें उसे दूरी फोड़ देना है हवा में तो 50 से 70 किलोमीटर की रेंज है इजराइल के साथ यह कई प्रकार से हमें प्रोटेक्शन दे सकती है इसराइल की राजधानी जेरूशलम्राजराइली नेसेट यहां की हाँ संसद, संसद का नाम क्या है नीसेट हो जाता है संसद का नाम क्या है साथी मेरे नीसेट हो जाता है बेंजामिन नित्यू हालांकि अभी यहां इन्होंने रिजोल्व कर दिया है लेकिन केयर टेकर के तौर पर है तेल अभी में रेहोब टेगोर के नाम पर इन्होंने एक सड़क बनाई सोलह इनका जासूसी उपग्रह हाल ही में इन्होंने अमेरिका के उससे क्या बोलते हैं मध्यस्थता से अब्राहम समझौते किए हैं अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात बहरीन, सुडान और मोरक्को सुडान और मोरक्को देशों से अपने संबंधों को बहाल किया है जिनसे नहीं था उसके अलावा इधर देखोगे भूटान के साथ भी इन्होंने ऑफिशियल भूटान के साथ भी आधिकारिक रिश्तों को इन्होंने बहाल किया है भूटान के साथ चलिए यह है इसराइल यह क्या है इसराइल अगर तुम इसराइल के पड़ोसी देश देखोगे तो समझोगे लाल सागर यहां लाल सागर लाल सागर सऊदी अरब से इसकी डायरेक्ट सीमा नहीं लगती जॉर्डन से लगती है इधर आपके सीरिया से लगती है इधर आपके लेबनान से लगती है इधर इजिप्ट से एक बार क्वेश्चन आ चुका है किसकी सीमा किस किस से लगती है इसकी सीमा साथी मेरे किस किस से लगती है तो ये मान लेता हूं इसराइल तो इसराइल के अगर उत्तर में देखोगे लेबनान उत्तर में कौन है लेबनान उत्तर पूर्व में देखोगे सीरिया उत्तर पूर्व में देखोगे सीरिया इधर देखोगे आप आ जाता है जॉर्डन इधर आ जाता है लाल सागर लाल सागर करके कह सकते हो इधर भी जॉर्डन ही है, जॉर्डन और इधर आ जाता है भूमध्य सागर एक तरफ क्या इसका भूमध्य सागर है और इस तरफ जो है ये वाला हिस्सा यह आ जाता है मिस्र या इजिप्ट यहां पर थोड़ी सी गाजा पट्टी यह सारे के सारे सिस्टम हो जाते हैं यह है अगर मोटे तौर पर देखोगे सी ऑफ गैलीली यहां पर डेड सी है यह क्या है डेड सी जिसको मृत सागर बोलते हैं बहुत ज्यादा सेलिनिटी की वजह से बहुत ज्यादा खारेपन की वजह से यहां पर कोई भी चीज उगती नहीं है इसको मृत सागर कहा जाता है यह जेरूसलम राजधानी तेल अबीब शहर है यह हाइफा शहर है यह सी ऑफ गैलीली यहां पर गोलन हाइट है जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है लेकिन वो सीरिया का हिस्सा है किसका हिस्सा है सीरिया का हिस्सा है चलिए बच्चा सिनाई पेनिनसुला चलिए अब आगे आ जाता है एज पर दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो जीडीपी है वर्ष 2021 में कितनी बताई है वर्ष 2021 में हमारी जीडीपी का जो अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है वो -9.6 हालांकि हमारी जीडीपी पहले हाफ में गिरी फिर माइनस सेवन पॉइंट फाइव प्रतिशत दूसरे अगर पिछले छह महीने की बात करें तो कुछ इस तरीके से गिरावट है तो दो हजार बीस इक्कीस जो वित्त वर्ष है इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस को जो समाप्त होगा इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस को एक अप्रैल दो हजार बीस से शुरू हुआ था और इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस को समाप्त होगा तो कितना बताया इन्होंने माइनस नौ पॉइंट माइनस नौ पॉइंट बाकी ग्लोबल अर्थव्यवस्था चार परसेंट से बढ़ेगी भारत माइनस नौ पॉइंट छह कह सकते हो कि घटेगी बाकी इक्कीस के लिए फिच ने नौ पॉइंट चार बताई है बाईस के लिए ग्यारह परसेंट आरबीआई ने माइनस साढ़े सात परसेंट एस बी आई ने साढ़े सेवन पॉइंट फोर क्रिसिल ने माइनस नौ वर्ल्ड बैंक उन्नीस सौ चौवालिस गठन इसका गठन जो विश्व बैंक समूह है तो विश्व बैंक ये एक समूह होता है पूरा का पूरा ग्रुप होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके अंतर्गत पांच संस्थाएं आती है कितनी संस्थाएं आती है पांच दो तो लोन देने का काम करती है आईबीआरडी और एक होता है आईडीए बाकी तीन संस्थाएं मध्यस्थता आदि का काम करती है डेविड मालपास अध्यक्ष सीएफओ एमडी अंशुला कांत जबकि सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट कारमेन रीनहार्ट मुख्य अर्थशास्त्री मुख्य अर्थशास्त्री कारमेन रीनहार्ट कार्मेन रीन कारमेन इसका गठन डब्ल्यू इसका गठन आईएमएफ के साथ हुआ था इसलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ब्रिटन वुड्स सिस्टर्स भी कहते हैं या ब्रिटन वुड्स ट्विंस जुड़वा भी कहते ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इनका गठन हुआ था चलिए यूएसडी 640 मिलियन किस संस्था ने भारत के साथ आंध्र प्रदेश में दो सड़क परियोजनाओं के लिए 640 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं 640 मिलियन तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं ब्रिक्स बैंक शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है माइकल ट्रायजो माइकल प्राडो ट्रायजो इसके प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 640 मिलियन आंध्र प्रदेश में दो सड़क निर्माण के लिए इसमें न्यू डेवलपमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 640 मिलियन उससे पहले एक मिलियन इमरजेंसी लोन हमें दे चुका है आपातकालीन समय पर 2015 में बना शंघाई चीन में हेडक्वार्टर दो में इस पर हस्ताक्षर हुए थे माइक कुमारकोस प्राडो ट्राइजो ये इसके क्या है वर्तमान में अध्यक्ष है पहले केवी कामत थे इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी विजिलेंट विजिलेंट सिटीजन नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है विजिलेंट सिटीजन सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप विजिलेंट सिटीजन तो जम्मू कश्मीर विजिलेंट सिटीजन जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया विजिलेंट सिटीजन जम्मू कश्मीर यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने सहसय जम्मू कश्मीर के लिए एक मेगा औद्योगिक विकास पैकेज भी दिया अट्ठाईस हजार चार सौ करोड़ रुपए का जिसमें साढ़े चार लाख जॉब और बीस हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा चलिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सत्रह साल यह पैकेज बीस हजार हजार चार सौ करोड़ रुपए का जो है वो सत्रह साल मतलब दो हजार तक रहेगा कब तक दो हजार तक चलिए हाल ही में एक चट्टरगला टनल है जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है यह कठुआ को डोडा से जोड़ेगी किलोमीटर लंबी कठुआ को डोडा से जोड़ेगी को डोडा से जोड़ेगी जम्मू कश्मीर की इसको बना कौन रहा है साथी मेरे? जिसका गठन उन्नीस सौ मई को हुआ राजीव चौधरी इसके अध्यक्ष है बी डायरेक्टर जनरल सात मई 1960 को गठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चटरगला टनल 6.8 किलोमीटर कठुआ से डोड़ा को जोड़ने वाली कठुआ से डोड़ा तीन हजार यह नगरोटा उधमपुर बटोट पटनी टॉप यह डोडा यह भद्रवा चतरगनल टनल ये बानी बासोल यहां तो यहां पर यह आपकी चटरगनल टनल है जो जम्मू कश्मीर में है 6.8 किलोमीटर कट हुआ फिर क्या जाएगा बानी के बाद में कठुआ आ जाएगा चलिए साथ छ पॉइंट आठ किलोमीटर यह अपना जम्मू कश्मीर है अगर आप डोडा आदि की बात करोगे ये डोडा जम्मू इधर पड़ती है राजधानी श्रीनगर इधर पड़ती है डोडा येरा डोडा कठुआ इन दोनों के बीच में यहां पर डोडा से कठुआ के इन दोनों के बीच में मतलब हिमाचल प्रदेश से लगना हुआ चलिए एक चीज और याद रखिएगा भारत की दस हजार फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची अटल टनल वर्ल्ड की सबसे ऊंची दस हजार फीट की ऊंचाई पर बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश मनाली से लेह हाईवे अटल टनल नौ पॉइंट जीरो दो किलोमीटर लेकिन ओवरऑल की बात करोगे तो अटल टनल वर्तमान में ओवरऑल में सबसे ऊंची नहीं है मतलब सबसे लंबी नहीं है यह दस हजार फीट की ऊंचाई पर कह रहा हूं सबसे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है हम लोग कंफ्यूज होते हैं सबसे लंबी अटल टनल नहीं है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है नॉर्मली देखें वर्तमान में तो ये 9.28 किलोमीटर लंबी है जिसको पहले चनेनी नासेरी सुरंग कहा जाता था चनेनी नाशेरी सुरंग फिर उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कर दिया गया था नेशनल हाईवे फोर्टी फोर टॉप जहां पर क्रॉस है वहीं पर 2017 में ओपन हुई थी 9.28 किलोमीटर नौ पॉइंट दो आठ किलोमीटर नौ पॉइंट दो आठ किलोमीटर जबकि एक हजार दस हजार अगर आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी की बात करोगे जो वर्तमान में बन रही है पंद्रह अक्टूबर दो हजार बीस से जिस पर काम शुरू हुआ पंद्रह अक्टूबर दो हजार बीस से जिस पर काम शुरू हुआ है वो है जोजिला टनल जोजिला यह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी 24 फोर आवर सात बारह महीने सेवन डेज याद रखिएगा लगभग 14.2 किलोमीटर लंबी है चौदह पॉइंट सोनमर्ग को द्रास से 14.2 किलोमीटर जब यह बन जाएगी तो जोजिला टनल भारत की सबसे लंबी होगी जोजिला टनल भारत की सबसे लंबी क्लियर है चलिए अटल टनल में तो भी घुसा भी बज गया था आपको याद होगा आभासी इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस आभासी इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस ये आयोजित की गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा में जो है उसके द्वारा चलिए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका उद्घाटन किया चलिए भैया इसकी थीम थी इन इन विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदले के लिए बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा ने की है हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अब सभी जानते हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बताई चली इनके ऊपर भी मैं कल क्वेश्चन लूंगा आज आज तो ज्यादा हो गया जबकि सुधांशु धूलिया गुवाहाटी सुधांशु धूलिया यह कुछ नए आर एस चौहान उत्तराखंड माहेश्वरी सिक्किम रफीक जी एम पी के गोस्वामी आंध्रा मुरलीधर उड़ीसा जबकि तेलंगाना में कौन हो जाती है साथ गुवाहाटी पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर विनीत कोठारी गुजरात आर्टिकल दो सौ तो सब आपको पता ही है कितने कितने तनखा दो तीन दिन पहले भी मैंने बताया था गवर्नर साढ़े तीन लाख कर्नाटक कृष्ण संजीवनी वेन लॉन्च किया कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक सरकार ने कृषि संजीवनी वैन 40 वैन को हरी झंडी दिखाई है यह मिट्टी आदि का परीक्षण करने वाली कीड़ों को कैसे मारना यह सब चलिए प्रवासी सोलवा भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को आयोजित होगा इसकी थीम होगी आत्मनिर्भर भारत में योगदान थीम क्या होगी आत्मनिर्भर भारत में योगदान नई दिल्ली में होगा कहां पर होगा साथी नई दिल्ली आत्मनिर्भर भारत में योगदान नई दिल्ली में आयोजित होगा नई दिल्ली चलिए चीफ गेस्ट होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी चलिए जबकि तेरवा युवा प्रवासी इसकी थीम होगी ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा इसके ऊपर भी हम लोग कल दोबारा से बात कर लेंगे क्योंकि इसमें मुझे कुछ बहुत सारा आपको पढ़ाना है और प्रियंका राधा कृष्णन जो भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री बनी है न्यूजीलैंड में थीमो वाली समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना चले। इंडिया और फ्रांस एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग सामरिक वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई भारत की तरफ से अजीत डोभाल और इमेनुअल बोन ये फ्रेंच प्रेसिडेंट के सलाहकार ये शामिल हुए पहली पिछली बार फरवरी 2020 में आयोजित हुई थी पेरिस में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट चिकटन ये कारगिल में आयोजित हुआ चिकटन कारियल इनको भी खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है दो महिला टीमों ने खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया चिकटन की दो महिला टीमों ने कह सकते हो कुल मिला के तेरह टीम ग्यारह पुरुष दो महिला एलन बर्जिस न्यूजीलैंड 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया यह सबसे कम सबसे उम्र दराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे फर्स्ट क्लास जो घरेलू उसमें खेलते हैं टीमों में कैंटरबरी से खेलते थे चलिए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एनएसओ ने नेशनल इनकम के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए हैं इसमें रियल जेडीपी एक लाख करोड़ 2011-12 के बेस ईयर पर माइनस सात परसेंट इसमें संकुचन आया है कॉन्ट्रैक्टन आया है जबकि प्रोविजनल जीडीपी डी पी लाख 4.2 परसेंट की जीडीपी 2019-20, 2020 हजार बीस की बात नहीं हो रही है चलिए रियल वास्तविक सकल मूल्य वर्धन देखें, तो यह कुछ ऐसा है इसको मैं कल उसको दोबारा कराऊंगा नॉमिनल जीडीपी क्योंकि लंबा हो जाएगा ये दो तीन क्वेश्चन है इनको मैं कल दोबारा करा दूंगा कोई बात नहीं इतना ज्यादा भी बड़ी नहीं है चलिए क्वेश्चन करें कृषि संजीवनी ऐप क्रैशी संजीवनी ऐप वैन कृषि संजीवनी वैन विजिलेंट सिटीजन सतर्क सिटीजन विजिलेंट सिटीजन डोम डो मोशे डो मोशे फेस्टिवल ये कहां पर मनाया जाता है बिल्कुल डोस मोचे डोस मोचे त्योहार डोस मोचे त्योहार कहां पर मनाया जाता है शोन डांस यह कहां का नृत्य है शोनडोल डांस यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है शोनडोल डांस पांचवें नंबर पर आर माथु के माथुर क्यों चर्चा में है मनोज सिन्हा क्यों चर्चा में है मनोज सिन्हा क्यों चर्चा में है सातवें नंबर पर अमेरिका की आप, आप, ज, आपने जितनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है पूरी बतानी है जापान के एजेंसी का नाम बताना है इसकी स्पेस एजेंसी क्या है और इसके देसी जीपीएस को क्या कहते हैं इसी तरह आपको रूस का भी बताना है इसी तरह भारत का भी बताना है आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी बताना है चीन का भी बताना है और अमेरिका का भी बताना है अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसके देसी जीपीएस को क्या कहते हैं उसके देसी जीपीएस को क्या कहते हैं उसके देसी जीपीएस हम लोग क्या कहते हैं वर्तमान में भारत की सबसे लंबी वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रोड टनल भारत की सबसे लंबी ओवरऑल पूछ रहा हूं रोड सुरंग कौन सी है ऊंचाई ऊंचाई की बात नहीं कर रहा मैं भारत की वर्तमान में जो काम कर रही है जहां से गाड़ी वाड़ी निकलती है बनने वाली की भी बात नहीं कर रहा मैं मैं तो ये कह रहा हूं जहां से गाड़ी वगैरह निकलती है एनडीबी का गठन कब हुआ इसके बारे में आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ इसके बारे में आपको बताना है कौन अध्यक्ष है आईएमएफ का गठन आदि कब हुआ ये बताना है आईएमएफ -E का गठन आदि कब हुआ ये भी आपको बताना है आ, एक आचाती है आपकी एक आचाती है ताबो मठ बूमठ यह आपको किस राज्य में मिलेगा मठ ये किस राज्य में मिलेगा अठारह हो गए उन्नीस नंबर पर आ जाता साथी ग्रेट अफ्रीकन झील जो कि ग्रेट अफ्रीकन झील जो कि व्हाइट नील से जुड़ी हुई है उनके नाम लिखिए व्हाइट नील से जुड़ी हुई चार लेक चार झील उनके नाम लिखिए इसका क्या नाम है आपका स्वेज कैनाल की चार झीलों के नाम लिखिए स्वेज नहर की लंबाई चार झीलों के नाम लिखिए स्वेज नहर कौन कौन सी झील है बाकी मैंने आज आप लोगों को बाकी जो क्वेश्चन थे ना जी डी पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही लास्ट के ये इतने ज्यादा लेकिन फिर भी मैं इनको करा दूंगा शुरुआत में मैं ऐसे ही क्वेश्चन रखता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत फायदेमंद है अब सबसे पहले बताइए क्या आज का कंटेंट पढ़ के इतनी सारी चीजें पढ़ के आपका मन शांत हुआ जो मैंने स्लाइड बनाई है वो भी डलवा दूंगा ये पूरा का पूरा कंटेंट जितना है एक एक चीज तुम्हारे ऐप पर चली जाएगी एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप जो रात को सो डेढ़ सो क्वेश्चन का रिवीजन कराता हूं रात तो मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई थी सोया नहीं हूं सोया तो मैं रात भी नहीं हूं देखो रात क्लास में सो रहा था ना तब भी क्योंकि फिर रात आया कल रात पता है क्या हुआ ये बात है बारह बजे की बात साढ़े ग्यारह बारह बजे की बात हम लोग चले आगरा से और गाड़ी का टायर फट गया सौ स्पीड थी गाड़ी का टायर फट गया वो तो माता रानी का आप लोगों की दुआएं थी गाड़ी का टायर मेरे साथ पहली बार हुआ गाड़ी में बैठे टायर फटा वो तो ये था कि उसने हैंडल बहुत अच्छे से पकड़ रखा था गाड़ी एकदम ऐसे ऐसे हो गई वो तो पीछे से कोई नहीं आ रहा था और बिल्कुल इस तरफ वाली लेन में थे जहां पे बहुत तेज स्पीड होती है फिर धीरे 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 उसे साइड में लगाया फिर तीन बजे इंतजाम किया बुलाया उसको पिंचर विंर वाले को वहां से चले सुबह बस छह बजने में पंद्रह बीस मिनट होंगे तब मैं आया तभी मैं जितनी भी चीजों को देखा क्वेश्चन तो खैर दिन में ही देख लिया था तभी पढ़ के मैं बोला चलो अब क्लास तो लेते ही है चाहे कुछ हो जाए तो रात में करा नहीं पाया था आज मैं इसका रिविजन कराऊंगा दो क्वेश्चन कल के और आज के रात को दस बजे भूलना मत जो आ गया आज रात दस बजे ऐसा समझ लो गंगा नहा गया जो आज रात दस बजे आ गया समझो गंगा नहा गया तो याद रखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना सभी लोग लाल बटन दबाकर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना मेरे दिल की क्लास है आज दिल से दिल की क्लास है बहुत ही मजबूत तरीके से मैंने तुमको पढ़ाने की कोशिश की है और ये क्वेश्चन है इनके कमेंट में उत्तर जरूर देना ईमानदारी से कमेंट करना क्लास कैसी लगी तुम लोग नहीं करते हो मगर आज तुम लोग जरूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना अभी मेरे साथ श्वेता मैम की क्लास चल रही है मैप की उस क्लास को जरूर लेना मैप भी मैंने तुम्हें कई सारी चीजें कराने की कोशिश की है थोड़ा सा दिमाग में रख के चला करो मेरे साथ ही लिखा करो ऐसे कम से कम सौ बच्चे दो सौ पचास बच्चे बता दो जो तुरंत नोट्स बना लेते हैं और मैं अक्सर टेलीग्राम पर डालता भी हूं तुम भी बनाओ तुम देखोगे धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा धुएं उड़ा दोगे दिखा दोगे दुनिया को कि असलियत क्या होती है पढ़ाई की चलिए बच्चा ख्याल रखिएगा थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय इग्जामपुर